हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरुण गोयल, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम रायकोट पब्लिक स्कूल, रायकोट सिटी। टुडे वी विल कंटिन्यू विद अ न्यू चैप्टर, नेम इज़ प्रोबेबिलिटी। दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट एज वेल एज लिटिल बिट टिपिकल फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज दिस टाइम प्रोबेबिलिटी इज विद अ न्यू अप्रोच। सो फर्स्ट, इन द प्रीवियस क्लासेज वी विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी इन द प्रीवियस क्लासेज। वट वी आर डन ऑन दैट साइड, वी आर डन that what is going to be happened. Probability is all about chance and all that things. It will rain today, it will not rain today, something like this. All these things we will listen and we will solve all the questions based on that problems. Afterwards, in the ninth class, we will start solving questions, very simple questions. For example, how to calculate probability. In the ninth class, we will learn how to calculate probability of an event. मतलब कि यह किसी भी इवेंट की अपना प्रोबेबिलिटी नाइन्थ क्लास उन्होंने कैलकुलेट करना सीखते हैं। टेंथ क्लास के विच जाके दैन वी विल लर्न सम लिटिल बिट रिजल्ट्स एंड देयर प्रोबेबिलिटीज, लिटिल बिट फॉर्मूलाज एंड एक्सटेंशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। इन द टेंथ क्लास वी आर ऑलरेडी डन एंड वी आर हैविंग सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑल्सो। आफ्टरवर्ड्स इन द प्लस वन क्लास, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल ऑफ यू, एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर फॉर द प्लस वन क्लास इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इन द प्लस वन क्लास यू स्टडीड एडिशन थ्योरम, ठीक है, एडिशन थ्योरम तुम पढ़ के आए हो, उत्थे होर उपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हो एडिशन थ्योरम के उपर। सो वो जो थ्योरम्स है वो रिजल्ट्स ने वो यूज़ किए, अपना उन्होंने उपर बेस्ड क्वेश्चन किए। नाउ दिस इज़ योर प्लस टू क्लास, सो हेयर वी विल स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस टू। नाउ वट हैपन टू द प्रोबेबिलिटी, द फर्स्ट वेरी फर्स्ट टॉपिक टू यू इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाउ वट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखो नाम तो ही क्लियर है, कंडीशन वो वाली प्रोबेबिलिटी जिदे विच की होवे अपने कोल कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई हुंदी होवे, ठीक है। कंडीशन किवें आ, जिवें सपोज करो थोनू घर दे कह देन बी इफ यू गैट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स तां तैनू असीं बुलेट लैके देवांगे, ठीक है, घर दे आपां कह देंदे। तो वो की है, एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, जे तू पास हो गया तेरा बुलेट पक्का वा, मतलब ऑलरेडी अकरेंस किसी ईवेंट की अकरेंस होने की आपां नू चांसिस हो जाती है, तो उस चीज़ नू बोलदे आ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब जे तू आ काम करेगा तो तेरा आ काम पक्का डन हो जूगा, मतलब एक क्लेम किया जाता वा भी तेरा आ काम पक्का हो ही जाना वा, पर उस तो पहले तेन आ चीज़ करनी पैनी है। वो चीज़ा जो सी उन्होंने स्टडी करने के लिए जो आप मैथड चाहिए सी, वो मैथड आप मिले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सब तो पहले आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, जो कि एक नंबर के पूछी जा सकती है, डेफिनेशन स्टडी करा, फिर आप नोटेशन स्टडी करा, फिर आप फॉर्मूला स्टडी करा, फिर आप थोड़ी जी एग्जाम्पल की हैल्प नाल इनू होर डीपली समझन की कोशिश करांगी। प्रोबेबिलिटी एक अहिजा कंसैप्ट आ, जिन्ने थोड़े बेसिक्स ये स्ट्रोंग होंगे क्वेश्चंस तुसी उन्ने ही ईजी वे नाल कर सकते हो, अदरवाइज इट विल गिव यू ट्रबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो सी एंड लिसन दिस वीडियो अ वेरी केयरफुली एंड इन अ गुड मैनर, आई होप सो यू लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू से। नाउ लेट अस स्टार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन माई चैनल वे टू वरुण, और वी कैन से वे टू मैथ्स। देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ अ इवेंट ए, कोई इवेंट ए है, हूँ इवेंट की होंगे वा, दैट यू ऑलरेडी स्टडीड इन द प्लस वन क्लास एज वैल एज इन नाइन टेंथ क्लास। इवेंट ए की अपना जी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गिवन दैट आ वी इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, बी इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो चुका, मतलब की आ ए इवेंट अगे तो हों ना, आप कॉइन टॉस किया 50-50 चांस होंगे सी भी हैड आऊगा या टेल आऊगा, दोनों के 50-50। इस बार की आ, एक इवेंट के होने पर दूसरे इवेंट का इफेक्ट पैना वा अपने ते, ओके। सो वो कहें भी ईवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, बी ईवेंट जो है ऑलरेडी हो चुका वा, तो उन्होंने आप बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ नॉन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई होप सो दिस इज़ क्लीयर टू यू वट आई एम गोइंग टू से यू, दिस इज़ अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इट इज़ डिनोटेड बाई ए ओवर बी, ए ओवर बी, या फिर आप ए स्लैश बी भी बोल सकते हैं, आप एक स्लैश यूज करते हैं इतने। नाउ वट इज़ दिस, ये प्रोबेबिलिटी आप इवेंट की करनी है हमेशा फाइंड करनी है, तो बी इवेंट आप ऑलरेडी अकड़, ऑलरेडी अकड़ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं भी ऑलरेडी गिवन आप इवेंट बी, ठीक है जी। सो नाउ लैक आप चलते हैं, नोटेशन होगी उस तो बाद फॉर्मूले चलते हैं। देखो क्वेश्चन के उपर तो आप फॉर्मूला ही अपलाई करना है, सो डायरैक्ट फॉर्मूले वाल चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इज इक्वल्स टू एन टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन टाइम्स ए इंटरसैक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो नीचे आप गिवन आ उही चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी नीचे लिखनी है। देखो इतने एन वी यूज़ कर सकते हो,
इतने प्रॉबिलिटी की पी भी यूज़ कर सकते हो वन एंड सेम थिंग, मतलब यदि वैल्यू ए भी लिख सकते हो तो यदि वैल्यू ए भी लिख सकते हो, वन एंड सेम थिंग का कोई फर्क नहीं है इस चीज़ की। ए चीज़ की है फाइंड करनी है, बी इवेंट की है अपन ऑलरेडी गिवन होगा। ए कंडीशन बी दी जो डायग्रामेटिक नोटेशन है वही वाली है जी, मान लो कि सैंपल स्पेस एस है, आ पूरा बॉक्स एस सैंपल स्पेस का दिता हुआ अपन, आ सैट वाला जो नेम आ सैट ए है, दिस सैट इज़ बी। ए कंडीशन बी जो है ना वो आ वाला सर्कल आऊगा अपने को, कंप्लीट सर्कल हेयर, ठीक है जी। आई होप सो दिस इज़ क्लीयर टू यू। एंड ये एक चीज़ आ भी प्रोवाइडिंग प्रोबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, आ जो नीचे वाला बी है ना ये जीरो नहीं होगा अपने को। क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि जे ये जीरो हो गया ठीक है तो की हो जाना अपने को, इन्हें इन्फिनिटी बन जाना। सो इन्फिनिटी अपन पता प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की हो नहीं सकती। रीज़न की है क्योंकि मैं पता भी किसी इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी होंगी है इट मस्ट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, ये जीरो तो वन के विच लाई करती है, तो देखो जीरो तो इक्वैलिटी होल्ड करती है। दैट्स वाई इन्होंने पहले ही कहता भी जीरो ये चीज़ हो नहीं सकती, उपरला जीरो हों हो जाए नो प्रॉब्लम, बट नीचे वाला अपने को एलीमेंट जो है जीरो नहीं होना चाहिए। हूँ जो आप डेफिनेशन पढ़ी आ कंडीशनल प्रॉबिलिटी बारे जो कुछ आप सुनया देखिया पढ़िया, हूँ आप एग्जाम्पल करते हैं। मान लो तुम टेंथ से पढ़ते हो, कहें फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन मतलब ताश के पत्तिया की गल कर रहे हैं, मैं यू आल वेरी फैमिलियर विद द प्लेइंग कार्ड्स दैट देयर आर फोर क्वीन्स आउट ऑफ 52 52 कार्ड्स होंगे, और चार अपने को क्वीन्स होंगे तो प्रॉबिलिटी यही होंगी है। हूँ वो अपन की कह रहा वा प्रॉबिलिटी क्वीन की क्ढनी है, बट वन क्वीन इज़ ऑलरेडी रिमूवड, प्रॉबिलिटी क्वीन की क्ढो पर एक क्वीन जो है वो ताश के जो ढेर अपने को रिमूव कर दिती गई है ठीक है। सो ओदी प्रोबेबिलिटी अपने को किन्नी आएगी, क्वीन एक रिमूव होगी ना, क्वीन्स चार सी हूँ क्वीन्स किनिया रह गई हैं, तीन क्वीन्स रह गई अपने को, आंसर आएगा 3/52। सो ए सी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ लेट अस डू सम आर्टिकल्स। सो सी द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी नंबर वन इन द टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। स्टेटमेंट इज इफ ई एंड एफ बी टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट होया उसकी सैंपल स्पेस एस बनाई है, एस के विचों आप दो इवेंट चूज़ करने हैं, एक ई चूज़ करना एक आप एफ चूज़ करना वा, दैन आप शो करना वा रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस एफ ओवर एफ ओ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर एफ इक्वल टू वन, यदा आंसर वन आएगा। सो हूँ आप प्रूफ देखते हैं। आई होप सो यू ऑल आर डन प्रोबेबिलिटी इन अ वेरी गुड मैनर इन द इन योर क्लास प्लस वन, क्योंकि उत्थे थोड़ा इंटरसैक्शन यूनियन वगैरह बारे भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाए ने। सो आई होप सो यू डन इट इन अ गुड मैनर्स। सो नाउ वी विल कंटिन्यू हेयर। देखो सब तो पहला आंदा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ओवर एफ, तो यदि प्रोबेबिलिटी की सी अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसैक्शन एफ ओवर आप क्या डाउन साइड आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखा। नाउ ये दो इंटरसैक्शन के इंटरसैक्शन जो आपको पता भी छोटा हिस्सा आंदा होंगे जो कॉमन हो भी, तो इंटरसैक्शन देखो आ पूरी सैंपल स्पेस आ एफ है, पूरी सैंपल स्पेस चो जो मैं इंटरसैक्शन एफ ना करूँगा तो वो की आएगा अपने कल्ला एफ ही आएगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा ठीक है, इट विल बी कैंसल आउट एंड आंसर इज वन। नाउ दोबारा चलते हैं ए वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर एफ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसैक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसी भी एलीमेंट की अपने आप ना इंटीग्री जो आप अपने आप न इन हाँ सॉरी दिस साइन वी विल यूज हेयर ठीक है, तो जो आप इन सॉल्व करेंगे इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इट विल बी वन, कट के वन आ गया, ए भी वन है ए भी वन है। देखो जे राइट हैंड साइड सेम नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड्स आर ऑल्सो सेम, दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ओवर एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर एफ इज इक्वल टू ऑलवेज वन। सो हेयर यूर फर्स्ट प्रॉपर्टी रिजल्ट इज ओवर। बेटा ये रिजल्ट तां करवाए जा रहे हैं मे बी एट एनी टाइम दीज रिजल्ट कैन कम इन द एग्जाम ऑल्सो ठीक है, थ्यूरम्स नहीं है, दीज आर द बेसिक रिजल्ट एग्जाम्स आ भी सकते हैं, सो बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ रिजल्ट। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। वेल आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस एंड एफ इज एनी इवेंट ऑफ सैम्पल स्पेस एस सच दैट प्रोबिलिटी ऑफ इवेंट एस इज नॉट इक्वल टू जीरो is not equal to 0, then probability of A union B condition F is equal to this result. So A result kithe na kithe dhyan naal je dekhiye padhya hoya jo lagda apan nu, apan addition theorem padhi si plus 1 class ch, oh si apne kol probability of A union B de upar, oda result si probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, A result si
ਜੇ ਇੱਥੇ ਓਬਲੀਕ ਐਫ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਓਬਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਫ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਇਟਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਫ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਫ। ਸੋ ਜੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪਲੱਸ ਵਨ ਕਲਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ, ਅਪੋਨ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਫ ਉਹ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ ਆ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਈ ਆ। ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਈ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸ, ਸੋਰੀ, ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਅਪੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਫ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਵਟ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਸੀ ਹੇਅਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਈਵੈਂਟ ਐਫ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿਉ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਿਸ ਟਰਮ ਐਂਡ ਦਿਸ ਟਰਮ, ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮਸ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਸਟ ਅ ਮਿਨਟ, ਸੋਰੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮਸ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਫ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਫ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਫ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗੀ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਫ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਫ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਫ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖੋ।